इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। पहले कोर्ट ने तौकीर रजा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और आज तौकीर को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को साल 2010 में बरेली में हुए दंगे का मास्टरमाइंड माना है। साल 2010 में जुलूस ए मोहम्मदी के दौरान शहर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़की हुई थी, जिसमें दंगाइयों ने करीब 20 दुकानों में आग लगा दी थी। मौलाना को इसी दंगे का मुख्य आरोपी माना गया है। कोर्ट ने सीओ सिटी प्रथम को मौलाना का गिरफ्तार करने का आदेश दिया है और इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने मौलाना को सुनवाई में पेश होने का आदेश भी दिया था, लेकिन उनकी कोई भी खोज खबर नहीं थी।